कटिया सुल साहब, एक तर्क है, आप तो सांसद भी हैं और राजनीतिक हलके को भी समझ रहे हैं और साथ ही अदालती दुनिया को भी समझ रहे हैं, क्या लगता है आपको कि इस तरह के विधेयक लाकर कहीं एक तरह से प्रोटेक्शन दिया जा रहा है या कुछ बचा छुपाने की कोशिश की जा रही है? बचाने से ज्यादा ये छुपाने की कोशिश है। नॉट ओनली दैट, मैं ये समझता हूं कि ये बहुत ही डरावना कानून लाने की कोशिश है, बहुत डरावने इसके नतीजे हो सकते हैं जी। आप ये बताइए कि जब 197 में जजेस के प्रोटेक्शन के लिए और पब्लिक सर्वेंट्स की प्रोटेक्शन के लिए ये प्रावधान है कि सैंक्शन कॉग्निजेंस नहीं लेगी कोई अदालत जब तक सैंक्शन ना हो, और उसको बदलने की क्या आवश्यकता थी? क्या इनको अपनी पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कानून ये है कि अगर किसी ने इल्जाम लगाया है तो FIR लिखनी जरूरी है। ये कहते हैं कि पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ FIR भी लिखी नहीं जा सकती जी। और मैजिस्ट्रेट, क्या मैजिस्ट्रेट के ऊपर भरोसा नहीं कि मैजिस्ट्रेट भी इन्वेस्टिगेशन नहीं डायरेक्ट कर सकते? तो मैं ये समझता हूं कि अगर मैं मान लूं कि मेरा भाई किसी पुलिस स्टेशन में इलीगली डिटेन्ड है जी, और मैं उसके बारे में FIR लिखवाना चाहता हूं कि ये इलीगली डिटेन्ड है, इसको टॉर्चर किया जा रहा है, तो पुलिस कहेगी कि हम तो लिख नहीं सकते, आप तो पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ इल्जाम लगा रहे हैं जी। मैं वहां से जाता हूं मैजिस्ट्रेट के पास, मैजिस्ट्रेट को बोलता हूं कि ये देखिए मेरा भाई जो है वो या मेरी बहन है उसका रेप हो रहा है पुलिस स्टेशन में। वो कहते हैं मैं तो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मैं तो अब इस कानून के अंदर मैं कोई ऑर्डर नहीं कर सकता जी। फिर मैं जाता हूं मीडिया में जी, तो मीडिया आप कहेंगे कि हम तो छाप ही नहीं सकते, हमें 2 साल की सजा हो जाएगी जी। बिल्कुल, तो किस तरह का कानून, किस तरह का समाज चाहते हैं हम जी? बिल्कुल, और ये सारा लोकतंत्र जी,